अर्चनी वन्नी संसमाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, प्यारे बच्चों, मेरे लिए निर्देश हुआ है आप सबके बीच कुछ देर निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ। उस दिन मैंने सत्संग और जीवन का महत्व, इस पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास किया था। एक सिक्के के दो पहल होते हैं और दोनों ही पहल महत्वपूर्ण होते हैं, वैसे ही जीवन के साथ साथ सत्संग का महत्व है। आज मैं हर व्यक्ति का एक केंद्र है, सुबह से उठ करके रात्रि तक जो कुछ करते हैं उसका एक टारगेट है कि मेरे परिवार, मेरे बच्चे सुकून की ज़िंदगी जिए और उनके लिए बहुत कुछ कर लूँ। मैं लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि आप बच्चे को धन संपत्ति, गाड़ी घोड़ा सब कुछ देते हैं, उसके साथ साथ उनको एक ऐसा खजाना दे करके जाइए कि वो आपके न रहने पर भी वह खजाना उनको काम आए। एक ऐसा धन दीजिए जो उनका संबल का कारण बने, वो कहीं पर भी चले जाए, इस दुनिया के किसी भी कोने पर चले जाए वो बच्चे, तो आपके दिए हुए जो धरोहर है उनको बार बार याद आए, मेरे मम्मी ऐसे बोलते थे, पापा ऐसे बोलते थे। आज भी कुछ भक्त लोग हैं जो बाहर है विदेशों में, उन लोग कहते हैं साहेब जी, जो माता पिता का दिया हुआ संस्कार और जो गुरुदेव जी से मिले, कुछ क्षण मात्र मिले, उसके जो द्वारा जो दिए गए विचार आज भी हम लोगों को काम आता है और इस दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, अच्छा सद्गुण सब जगह काम आता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि बच्चे को आप सब कुछ दे, लेकिन महत्वपूर्ण खजाना है आध्यात्मिक धन, जीवन का रहस्य, जीवन के रहस्यों को समझाए उनको, जीवन के रहस्यों को समझाए। आप उनको समय दे, आप उनको जीवन का पाठ सिखलाए, कैसे जीवन का निर्माण करना है, बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए आप। जब किसी लड़की या लड़का का शादी होता है तो शादी होने के बाद उनकी ज़िंदगी कितने दिन की होती है? मात्र एक साल से दो साल की ज़िंदगी होती है, ओनली एक साल से दो साल की ज़िंदगी। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उनकी ज़िंदगी ख़त्म, बच्चा पैदा होते ही उनकी ज़िंदगी ख़त्म। अब पति और पत्नी की ज़िंदगी नहीं रह गई, अब किसका ज़िंदगी है? माता और पिता की ज़िंदगी है। अब बच्चे के लिए दायित्व तो कैसे निभाना है, बच्चे के लिए क्या क्या करना है, पूरा जीवन का निचोड़ उसी पर जाता है। और आप क्या करते हैं बच्चे के लिए? इतना मेहनत करते हैं, एक अकपाई जोड़ते हैं, एक अकपाई जोड़ते हैं, मकान बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, और क्या चाहते हैं अंत में? मेरे बच्चे एक अच्छे पोस्ट पर जाए और खूब पैसा कमाए और खूब आराम से जिए। और बदौलत आपके बच्चे इतना पैसा कमाते हैं क्योंकि आपने बच्चे पैदा होते ही बच्चे को पैसा बनाने का फैक्ट्री बनाया। आपके मन में कभी लालसा नहीं हुई होगी कि मेरे बच्चे को नौकरी लगे या ना लगे, मेरे बच्चे का अच्छा इंसान बनाए, अच्छे इंसान बने, माता पिता का सम्मान कर सके, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कर सके, मेरे घर में जितने संपत्ति है, पर्याप्त संपत्ति है, कम से कम उसका सही ढंग से उपयोग करके एक अपनी बादशाहत तो कायम कर सके, कभी मन में इच्छा नहीं होगी। मन में ये इच्छा हुई होगी कि मेरे बच्चे कितनी अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा मार्क लाए और अच्छे पोस्ट पर चले जाए। बदौलत क्या हुआ बताऊँ? बदौलत आपके बच्चे इतना अच्छा मार्क लाए और अच्छे पोस्ट पर चले गए और आपसे कोसों दूर चले गए, आपसे बिछुड़ गए, आपने बच्चे का सुख जाना ही नहीं, और वो कभी माता पिता का जो प्यार है वो नहीं जाना। बच्चे जन्म लिए, हॉस्टल में भर्ती कर दिए उनको,
हॉस्टल में पढ़ाई किए, घर में आए, नौकरी लग गई, नौकरी में चले गए, क्या जिंदगी हो, जाना ही नहीं, कैसे परिवार में रहना है, कैसे माँ बाप का सम्मान करना है, चीज नहीं जाना। इसके मतलब नौकरी नहीं करना चाहिए, नहीं, नौकरी करिए आप, नौकरी करवाइए आप, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आप कुछ पल उनको अध्यात्म के बारे में बताइए, कुछ पल उनको संस्कार के बारे में बताइए। इसलिए संत जन कहा करते हैं, यदि आप बच्चे को गाड़ी, मोबाइल, कार देते हैं, नहीं देते हैं, आपकी मर्जी, देते हैं तो कुछ दिन हंसेंगे और नहीं देते हैं तो कुछ दिन रोएंगे, लेकिन जीवन भर हंसेंगे। क्या देंगे तब हंसेंगे? संस्कार देंगे तब। आप कार मत दीजिए, बच्चे को चलेगा, आप बच्चे को संस्कार दीजिए। आप क्या देते हैं बच्चे को? आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, कार मिलेगा, ये सो आराम की स्थिति। आज बड़ी अद्भुत स्थिति है, आप अपने बच्चे को प्रणाम करना भी नहीं सिखला पाते हैं। और आपकी ये एमपी में अभी 2 महीना पहले सुठालिया के पास गए थे, वहाँ एमपी में एक कार्यक्रम था, तो वहाँ एमपी में और यहाँ यूपी में बच्चियों से प्रणाम नहीं कराते हैं। ये गलत है, ये परंपरा ठीक नहीं है। और अपने बच्चों से प्रणाम कराइए, बच्चियों से प्रणाम करना सिखाइए। अभी एक जगह गए थे, एक जगह अच्छे घर से लोग हैं, संपन्न है, आए और संत के पास बंदगी करने के लिए जा रहे थे, तो उतना में लौट करके पापा और मम्मी को देखते हैं, कहते हाथ जोड़ लो। उनको झुकना सिखाइए, आप पैर में झुकना सिखाइए, उनका अहंकार टूटेगा। आप उनको झुकना ही नहीं देंगे, उनका अहंकार खड़ा होता चला जाएगा। यदि आप संत के पास आपके बच्चे नहीं झुक पाए तो कहाँ झुकेंगे? बच्चे वहाँ झुकते हैं जहाँ से उनको आशीर्वाद नहीं मिलते हैं, बच्चे वहाँ झुकते हैं जहाँ दुनिया की भीड़ दौड़ती है, बच्चे वहाँ नहीं झुकते हैं जहाँ से उनका जन्म हुआ है, जहाँ से उनको संस्कार मिलता है, बच्चे वहाँ नहीं झुकते हैं जहाँ से उनका नवीनीकरण होता है। यदि आपने बच्चे को वहाँ नहीं झुकलाया तो क्या हुआ? भगवान की पूजा करना सहज है, लेकिन असली भगवान को समझ पाना सहज नहीं है। अभी नवरात्रि चल रहा है, हर हर जगदम्बे, हर हर जगदम्बे माता की इतनी पुकार है, पूछो मत। और हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहां माता की पूजा बहुत निष्ठा और प्रेम से, और एक माँ जो अन्न खाती है उनका अन्न छीना जाता है, उनको बहिष्कृत किया जाता है, माँ बाप के साथ अपमान किया जाता है। लखनऊ में 11 तारीख को हम लोग आए, एक जगह रुके थे, वहाँ लगभग एक ही बेटे हैं उनके, और शादी हो गई है, 25 साल हो गए शादी हुए, लेकिन बहू और बेटे अलग खाते हैं और माता और पिता अलग खाते हैं। कौन सी संस्कार है? क्या सिखलाया आपने? क्या सिखलाया? क्या यही इसीलिए बच्चे को पैदा किए थे कि आपने आपके साथ ना रहे, आप अपने जीवन में जो प्रेम और आनंद और जो परिवार में माहौल होना चाहिए, जिस घर में दादी दादा पिता पुत्र आपस में एक साथ मिल करके रहते हो, एक साथ हंस के मुस्कुरा करके चर्चा होती हो, ऐसे चर्चाएं भी ना हो, अपने अपने ज़िंदगी जी रहे हैं, घुटन भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या ज़िंदगी है ऐसी? ये ज़िंदगी है, इसको जीवन कहेंगे? इसको यही क्या जीवन की सफलता है? जीवन की सफलता मतलब ये है कि हम दुनिया से जाए तो संतुष्टि भरा जीवन हो, हम दुनिया से जाते हैं तो असंतुष्ट हो करके जाते हैं, पीड़ित हो करके जाते हैं, शिकायत भरी जिंदगी जी करके जाते हैं। असफल व्यक्ति का पहचान है ये, असफल व्यक्ति का पहचान है ये। हम सफल व्यक्ति बने, परिवार में रहे जितना देर रहे, आराम से जिंदगी जिए, मुस्कुरा करके जिंदगी जिए। सफलता लोग, कुछ लोग सफलता उसे कहते हैं जहाँ गाड़ियाँ ऊपर गाड़ियाँ खड़े होते जाए, बिल्डिंगें खड़े होते जाए और आलीशान बंगला बनते जाए, वो सफलता। ये तो मकान की सफलता है, गाड़ी की सफलता है, दुकान की सफलता है। आपकी सफलता क्या है? आपकी सफलता बेचैनी, आपकी सफलता असंतोष, आपकी सफलता एक दूसरे के प्रति राग और द्वेष, क्या यही सफलता है? ये असफल जीवन का परिचय है। आप जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, इसकी ज़रूरत है आज के युग में, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका जीवन। क्या आप अपने बच्चों को समय दे पाते हैं? बच्चे बिस्तर से उठते हैं तब आप बिस्तर से उठ करके ऑफिस ड्यूटी के लिए तैयार हो जाते हैं, और जब बच्चे रात्रि में घर आते हैं और घर आते हैं और रात्रि में बच्चे 8-9 बजे सो जाते हैं, तब आप ऑफिस से ड्यूटी से 10 बजे रात को आते हैं। आपसे बच्चे से आपकी मुलाकात ही ठीक से नहीं होती है, आपके साथ बैठ करके कभी भोजने नहीं करते हैं, आपके साथ बैठ के कभी कीर्तन की बातें नहीं होती है, आपके साथ बैठ के कभी अध्यात्म की बातें नहीं होती है, आपके साथ बैठ करके कभी बच्चे को आप सिखलाते नहीं हैं जीवन कैसे जिया जाता है, बेटा प्रेम से पूछते नहीं हैं,
तो कैसा आप बच्चे को सिखला रहे हैं? आप बच्चे को सब कुछ दे करके भी बच्चे को कमजोर बना रहे हैं। बच्चे उसमें अपने आप में संपन्न नहीं हो सकता है। बच्चे को होशियार बनाइए आप, बच्चे को लूले और कमजोर मत बनाइए। आज हमारा भारत देश ऐसा देश है जहां हर बच्चे को लूले और कमजोर बनाते चले जा रहे हैं, भगवान के भरोसे बच्चे को बिठला दे रहे हैं। इतनी मूर्खता नहीं होनी चाहिए। भगवान की कृपा, भगवान की कृपा क्यों, भगवान की कृपा के बीच में बच्चे को घसीटते चले जाते हैं हम अपने जीवन को। भगवान है लेकिन भगवान के कृपा से कुछ भी नहीं होने वाला है। भगवान हर जगह है, भगवान प्रकृति का देन है। इतना हमको फ्री में हवा मिल रहा है, फ्री में धूप मिल रहा है, फ्री में प्रकाश मिल रही है, और क्या चाहिए भगवान से, और क्या चाहते हैं? भगवान की कृपा है, सब कुछ तो है। जो आपको विडम्बना है एक हमारे भारत देश में, जो अभी मैंने कहा नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि के दौरान भगवान की पूजा होती है, और माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया क्या उसकी पूजा करते हैं? कभी उसकी पूजा होती है? जब बुढ़ापे की अवस्था होती है तो बुढ़ापे की अवस्था में जर्जरता की अवस्था होती है, उस समय आपके माँ बाप को आपके पैसा नहीं चाहिए, आपके गाड़ी घोड़े नहीं चाहिए, आपके दौलत नहीं चाहिए। उस समय आपका माँ बाप को प्यार चाहिए, बस प्यार। कभी ऑफिस से, ड्यूटी से, खेत से, खलिहान से आप आ जाते हैं और प्रणाम कर लेते हैं, आप प्रणाम करके बैठ जाते हैं, दो बातें कर लेते हैं, माँ बाप को संतोष मिल जाता है। कभी कम से कम त्योहारों में, वार्षिक उत्सवों में कम से कम, कभी कभी जैसे हैं श्रद्धा और निष्ठा के साथ माता देवी की पूजा करते हैं, वही श्रद्धा और निष्ठा के साथ असली माँ की भी पूजा कर लिया करें, आरती उतार लिया करें, माता पिता की आरती उतार लिया करें, कम से कम उनके गले में हार चढ़ा लिया करें। उस समय माँ बाप को जीने का संबल मिल जाता है। उस समय माँ बाप को जीने का संबल मिल जाता है कि मेरे बच्चे आज भी मेरे अपने हैं, मेरे बच्चे मेरे कहा मानते हैं, मेरे बच्चे मुझे सम्मान देते हैं। यदि आप ये करते हैं तो आने वाली पीढ़ी वो चीज़ सीखेगा, आने वाली पीढ़ी वो चीज़ सीखेगा। और सिर्फ लड़ते और झगड़ते रह गए, जीवन में जो व्यवहार होना चाहिए वो नहीं हुआ, तो बच्चे फिर नहीं सीख पाएंगे। बच्चे को समय दीजिए आप। एक घटना बताऊँ मैं, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, मात्र 6 साल का बच्चा, रोज देखता था पापा रोज सुबह से ड्यूटी चले जाते हैं और शाम को मैं पापा आते हैं तो मैं सोया रहता हूँ, मुलाकातें नहीं होती है, ना उनके साथ ठीक से भोजन करते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। एक दिन पापा से पूछते हैं, पापा आप एक दिन में कितने रुपये कमाते हैं? बहुत पहले की बात रही होगी, वो कहते हैं, बच्चा तुमको इससे क्या करना है, तुम्हारे खाने की, कपड़े की, रहने की सारी व्यवस्था, स्कूल के फीस सारी व्यवस्था मैं करता हूँ, तुमको इससे क्या वास्ता है? कहते हैं, पापा प्लीज़ बता दो। उनके पापा कहते हैं, एक दिन में मैं 100 रुपये कमाता हूँ। 100 रुपये बहुत पहले की बात होगी, बहुत रहा होगा। बच्चे चुप हो जाते हैं। उसने में फिर पूछते हैं, पापा मुझे क्या आप 50 रुपये देंगे? बच्चे पूछते हैं, पापा मुझे 50 रुपया चाहिए, देंगे? पिता कहते हैं, तुम 50 रुपये लेकर के क्या करोगी, तुम्हारी सारी व्यवस्था तो मैं करता हूँ, प्लीज़ दे दो ना पापा। तुम चुप रहो, क्या करोगे पैसों को, बताओ तब दूंगा। बच्चे को डांट देते हैं, बच्चे चुप हो जाते हैं, पापा अपना काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद पिता को हुआ, क्या बात है ऐसी, चलो दे देता हूँ, बच्चा मांग रहा है। उनके मन में एक हुआ और वो 50 रुपया देता है। बच्चा उत्साह से दौड़ करके उस 50 रुपये को लिया और अपने रूम में गया और वहाँ एक बक्सा निकाला, उसमें वो अपना बक्सा खोला तो उनका पापा देखता है उनके पास 50 रुपया ऑलरेडी पहले से है। फिर पूछते हैं अपने बच्चे से, तुम्हारे पास ऑलरेडी पहले से 50 रुपया है और तुम 50 रुपये फिर ले लिए, क्या करोगे? बताता हूँ पापा। कहते हैं इस 50 रुपये को, फिर बच्चे कहते हैं, 100 रुपये ने अपने पापा को देता है और कहता है, पापा क्या आप मुझे अपना 1 घंटा टाइम देंगे? मैं आपसे 100 रुपये दे करके 1 घंटा खरीदना चाहता हूँ, मैं आपके साथ भोजन करना चाहता हूँ। मैं आज तक आपके साथ मैं प्रेम से भोजन नहीं किया हूँ। उनके अंदर की वो तड़पन है जो अपने पापा को बोल रहा है, उनके अंदर की जो वेदना है जो अपने पापा को बोल रहा है। पापा मायूस हो जाता है। पापा बोलता है, बेटा 1 घंटा क्या तुमको, जितना टाइम चाहिए मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ। उनके आंखें खुल जाती है,
क्या देते हैं आप बच्चों को, क्या देते हैं आप? बच्चे सत्संग में नहीं आते हैं, आप सत्संग में आ करके क्या आपके जीवन में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? मैं लोगों से कहता देखते हैं लोग कि शराब पीते चले जा रहे हैं, लोग अंडा मांस मछली बीड़ी सिगरेट खाते चले जा रहे हैं, पीते चले जा रहे हैं, जीवन में परिवर्तन नहीं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं उसमें शराबी भी है, मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि शराब मत पीना। जब जब आप शराब पीते हैं, जब जब आप शराब पीते हैं, तब तब आपके जो बच्चे की उड़ान भरने की क्षमता होती है ना, वो मिट्टी पलीद हो जाती है। जब जब आप शराब पीते हैं, तब तब आपके बच्चे के अंदर जो उड़ान भरने की क्षमता होती है वो मिट्टी पलीद हो जाती है। जब जब आप शराब पी करके आते हैं, बच्चे देखते हैं ऐसे शराबी और नालायकों के बीच में क्या मैं विकास करूँगा, उनकी जो उड़ान भरने की क्षमता होती है वो ह्रास होती चली जाती है, वो अपने आप में कमज़ोर होता चला जाता है। ऐसे शराबियों के बीच में मैं कैसे अपना विकास करूँगा? आप शराब ही नहीं पीते हैं, जो उनके आईटी आईपीएस आईएएस अफसर बनने की जो लालसा थी ना अंदर में, वो लालसा ख़त्म होती चली जाती है। मैं कैसे गलत लोगों के बीच में मैं जीवन जी रहा हूँ? आप सोचिए, जितने शराबी बैठे होंगे यहाँ, कैसे आप अपने बच्चे को संस्कार दे रहे हैं? आप जिस मत को, जिस पंथ को, जिस संप्रदाय को, जिस भगवान को मानते हैं, आप श्रद्धा से मानिए, कोई बुरा नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन प्रकृति के लिए ऐसा कोई क्षमा नाम की चीज़ नहीं। आप गलत करें और आपके बच्चे उसको रिस्पेक्ट करें। आप अपने ही परिवार से अलग होते चले जा रहे हैं। आज पिता और पुत्र का नहीं बन रहा है, पिता और पुत्र अलग, पिता माता और पिता अलग, कैसा जीवन है? आज माँ बाप ही अपने बच्चे के अपमानित अपमान को नहीं सह पा रहे हैं और घुटन की जिंदगी जी रहे हैं, और आप अपने ही माँ बाप से अलग दूर होते चले जा रहे हैं, कैसी जिंदगी है? क्या बच्चे को यही संस्कार देंगे? आपस में आप लड़ते हैं, आप लड़ते हैं आपस में, पति और पत्नी लड़ते हैं आपस में, बच्चे रोते हैं, बच्चे रोते हैं। आप देखे होंगे 5 साल और 6 साल का बच्चा हो कोई, और आपस में पति और पत्नी लड़ते हुए देखेंगे, बच्चे के चेहरे में मायूसी छा जाती है, बच्चा बोल नहीं पाता है, बच्चा मायूस होकर के दिखता है। क्या हो रहा है? क्या यही आप सिखाएंगे? इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप कभी शराब मत पीजिए, बीड़ी सिगरेट तंबाकू मत खाइए। आपके बच्चे जब जब आपका चरण स्पर्श करे, तो आपका मन पवित्र हो, आपका तन पवित्र हो, आपका मुख पवित्र साफ हो, तब बच्चे माँ बाप का चरण स्पर्श कर रहे हैं। इधर माँ बाप पान खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, गलगला रहे हैं, थूक भी रहे हैं, आशीर्वाद भी रहे हैं। क्या आशीर्वाद देंगे आप? कौन सा आशीर्वाद देंगे? इधर गाली गलौज भी करते चले जा रहे हैं, और बच्चे आते हैं प्रणाम करते तो कहते हैं खुश रहो बेटा। कौन सा आशीर्वाद दे रहे हैं? गाली गलौज सिखा रहे हैं कि आशीर्वाद दे रहे हैं? जिस घर में सास और बहू में आपस में लड़ाइयाँ होती है, सोचिए आपके बच्चे कैसे सीखेंगे। आप उस घर की जननी हैं, आप उस घर की मुखिया होती है, आपके कोख से बच्चे जन्म लेते हैं, और आपसे बच्चे आपके कोख से बच्चे जन्म लेकर के गलत संस्कारी हो जाए, आपका दुर्भाग्य होगा। एक माँ होकर के आपने बच्चे को सही संस्कार नहीं दिया। मैं इस कल भी परसों भी कहा था कि मात्र बच्चे को जन्म देने मात्र से कोई माँ और पिता नहीं हो जाते हैं, उसके लिए विशाल हृदय चाहिए, उसके लिए मातृत्व भाव पैदा होना चाहिए, उसके लिए पितृत्व भाव पैदा होना चाहिए। आप दादा बन जाए उसके लिए दादा मात्र, बच्चा के नाती पोते आ जाने से कोई दादा नहीं होता है। आपका विशाल हृदय चाहिए, आपका परिवार में आप परिवार को संजो करके रख सके वो क्षमता चाहिए। आप थोड़े में चिढ़ गए, थोड़े में आक्रोशित हो गए, बच्चे के साथ गलत बातें कर दिए, तो बच्चे कैसे सीखेंगे? सास और बहू में आपस में प्रेम चाहिए, इसलिए आपके घर में बच्चे रहते हैं, आपका एक क्रियाकलाप देखते हैं, क्रियाकलाप देखते हैं। घटना बताऊं मैं, सास बहू में रोज़ लड़ाई, रोज़ लड़ाई सास बहू में, और ये तो जितनी ये फैशन की दुनिया बढ़ती चली जा रही है, सास और बहू में आज माता और पिता, माता और माँ और बेटी का जो रिश्ता होना चाहिए वो ख़त्म होता चला जा रहा है, विलुप्त होता चला जा रहा है। बल्कि सास और बहू में जो माँ और बेटी का रिश्ता ख़त्म हो करके नर्क की ज़िंदगी शुरू हो गई है। आपस में सास बहू ऐसे ही रहते थे, जी की बात है,
सास बहू में रोज लड़ाइयाँ, और रोज लड़ाई का दौरान ये अंतिम परिणाम ये आता था कि अंतिम में रोते रोते सासू माँ अपने रूम में जाती थी। रूम में कोई तेज तर्रार बहू रही होगी, सोच लो जो तेज तर्रार बहू हो, अब कोई तेज तर्रार बहू रही होगी जो रोज लड़ते लड़ते उनके सासू माँ रोज कमरे में चली जाती थी। रोज एक घटना को रोज उनका बच्चा दिखता था। रोज माँ और दादी में रोज लड़ाइयाँ होती है, और माँ अंतिम में दादी रोते रोते कमरे में चले जाती है। रोज एक घटना दिखता था, वो बच्चा रोज घटना देखता था। एक दिन फिर ऐसे हुआ, और लड़ते लड़ते अंतिम में रोते रोते उनकी सासू माँ कमरे में जाती है, उसके पीछे पीछे उसका 6 साल का पोता कमरे में जाता है, और कमरे में जाता है और अपने दादी का पल्लू उठा करके आंसू पोंछता है। आंसू पोंछते पोंछते बोलता है, दादी माँ तुम रो मत, मेरी माँ बहुत दुष्टा है। देखो 6 साल का बच्चा है वो बोल रहा है, दादी माँ तुम रो मत, मेरी माँ बहुत दुष्टा है, और जब मैं भी बड़ा हो जाऊँगा और मेरी भी शादी होगी तो मैं अपने पत्नी से कहूँगा कि तुम अपनी सासू माँ की कभी सेवा मत करना, क्योंकि तुम्हारी सासू माँ रोज अपने सासू माँ से लड़ाई करती किया करती थी। क्या सिखाया आपने, क्या सिखाया? बच्चे को फूल से संवारना चाहिए था, बच्चे को अच्छा संस्कार देना चाहिए था, लेकिन आपने बच्चे को ऐसा जीवन दे दिया, ऐसा जीवन दे दिया कि बच्चे अब पछताते रह गए। किसी व्यक्ति ने कहा है कि बच्चे को संस्कार कब से देना चाहिए, उत्तरदाता ने कहा बच्चे को संस्कार बच्चे के पैदा होने के 20 साल पूर्व देना शुरू कर देना चाहिए। 20 साल पहले कैसे, बच्चे पैदा ही नहीं हुए हैं। जैसा हम बच्चे चाहते हैं उसके होने वाले माँ बाप को वैसे 20 साल पहले उनको संस्कार देना शुरू कर देना चाहिए। चलो छोड़ो, 20 साल पहले आप संस्कार देते हैं नहीं देते हैं कोई बात नहीं, दे दिए तो अच्छी बात, नहीं दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जिस परिवार में आप सभी परिवार के सदस्य हैं, जिस परिवार में आपके घर में बहू आती है, और आपके बहू के कोख में यदि आपके बहू के कोख में बच्चे हैं, आपको परिवार के लोगों को पता चल जाता है, तो कम से कम ऐसे वार्ताएं होनी चाहिए आपके घर में, ऐसा विचार चलना चाहिए, ऐसी बातें होनी चाहिए कि अंदर जो बच्चा कोख में पल रहा है वो बच्चा वास्तव में वो संस्कार समझे। माँ बाप की हर एक क्रियाकलाप बच्चे के अंदर प्रवेश करता है और उसी से बच्चे का निर्माण होता है। कम से कम 8-9 महीने आपके कोख में बच्चा रहता है, अच्छे विचारों को लीजिए आप, अच्छे विचारों के साथ आप जीवन को आगे बढ़ाइए, ये नहीं होता है। एक जगह हम लोग गए थे पूज्य श्री गुरजतन साहिब जी के साथ में, और सत्संग चल रहा था, तो सत्संग के दौरान एक साहब जी ने पूछा कि इस माँ बाप के बच्चे कौन हैं। तो उनके माँ बाप के बच्चे खड़े हो गए, कहे साहब जी हमारे बच्चे हैं। क्या इस बच्चे को आप 17 लाख रुपये दे सकता हूँ, तुम दे सकते हो? कहते हैं बच्चे को नहीं दे सकते हैं। कहे 20 लाख दूंगा, दोगे? कहे नहीं दे सकते। फिर पूछते हैं, साहब ने पूछा क्या तुम इतना पैसा ले करके भी इस बच्चे को नहीं दे सकते, आखिर क्यों? तुमको पैसा चाहिए, तुम पैसा दे रहे हैं, बच्चे क्यों नहीं दे सकते? कहते हैं बच्चे हमारा ज़िंदगी है। अच्छा, बच्चे आपकी ज़िंदगी है, आप बच्चे को क्या देते हैं, कितना समय देते हैं आप, क्या बच्चे को समय देते हैं? कहते हैं साहब ये चीज़ तो नहीं होता है, ये चीज़ नहीं होता है, आप बच्चों को समय दीजिए, समय दीजिए बच्चों को, प्यार से बातें करिए उनसे, पति और पत्नी में आपस में लड़े मत, सास बहू में लड़े मत, जीवन नरक बन जाता है। बच्चे को अच्छा संस्कार दीजिए। एक जगह बच्चा, ये दिल्ली की घटना है, लगभग उनका बच्चा 18 साल का रहा होगा, वो अपने साथियों के साथ में गया घूमा, और इंडिया गेट के पास कुछ बच्चों के साथ उन्होंने छेड़खानी का काम कर दिया। बात बीत गई, रात्रि के समय वो बच्चा घर में आकर के सो रहा था, उसी समय उसके घर में एक पुलिस वाले आया, और पुलिस वाला एक फ़ोटो दिखाया और कहते हैं अपने उनके पिता से, क्या इस बच्चे को आप पहचानते हैं? उनका पिता बोलता है, हाँ ये बच्चे को पहचानता हूँ, मेरा ही बच्चा है। वो कहते हैं आपके बच्चे ने इंडिया गेट के पास में कुछ
गलत काम करते पकड़ा गया है छेड़खानी करते हुए, इसलिए आपके बच्चे को हम हिरासत में लेने के लिए आए हैं। उनका पिता रूम में जाता है और अपने बच्चे से पूछता है, क्या तुम इंडिया गेट के पास गए थे? उनका बच्चा बोलता है, हाँ पापा इंडिया गेट के पास गया था। तुमने कुछ गलत काम किया है? बच्चा कुछ नहीं बोलता है। पुलिस वाला आता है, फिर उनका पिता बाहर निकलता है और पुलिस वाले से कहते हैं, हाँ आप मेरे बच्चे को ले जा सकते हैं। उनका बच्चा, पुलिस ले जाता है उनके बच्चे को, लेकिन अंतिम में पुलिस वाले को उनका पिता बुलाता है थानेदार को और कहते हैं, उनके हाथ में 5,000 रुपया देता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि छोड़ देने के लिए, नहीं, पुलिस वाले को 5,000 रुपये देते हैं और कहते हैं कि आप इस बच्चे की इस तरह से मरम्मत करना कि दोबारा उनके दिमाग, दिल और दिमाग में कभी विचार ही ना आए कि मैं ऐसा गलत काम के लिए आगे बढ़ूँ। और आप और हम सब होते तो क्या करते, 5,000 के जगह 10 और बढ़ा देते और कहते मेरे बच्चे को छोड़ देना, यही करते ना। आपके ऊपर है आप कैसा सिखाना चाहते हैं बच्चों को, आपके ऊपर है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इतना अच्छा संस्कार दे बच्चों को कि आपको गर्व महसूस हो, आपके बच्चे जहाँ भी जाए सीना चौड़ा करके कह सके, मैं ऐसे माँ बाप के कोख से जन्म लिया जहाँ मुझे अध्यात्म की परिभाषा सिखलाया गया, जहाँ संत गुरुजनों के चरणों में झुकना सिखाया गया, जहाँ मुझे जीवन का पाठ सिखलाया गया। आपके बच्चे कह सके, जीवन के महत्व को समझ सके। आपके बच्चे जीवन के महत्व को नहीं जानते हैं। आप पूछिए अपने बच्चों को जाकर के, जीवन का महत्व क्या है, जीवन की सफलता क्या है, जीवन में क्या करना चाहते हो बेटा। आप अपने बच्चों से पूछेंगे ना तो इसमें 100% बैठे लोगों में से 1% आपके बच्चे नहीं कहेंगे कि मैं अंतिम में जीवन में परम शांति को पाना चाहता हूँ। आपके एक भी शायद बच्चे यहाँ नहीं कहेंगे। आपके बच्चे कहेंगे मुझे ये करना है, ये करना है, ये लेना है, ये मकान बनाना है, ये खरीदना है। क्या यही भौतिक पदार्थों का बंडल खरीदने के लिए हमारा जीवन है? क्या यही जीवन है, मात्र इसी से हमारा जीवन बन जाता है? जीवन इससे नहीं बनता है। पूज्य और साहेब जी कहा करते हैं, जीवन बदलता है विचारों के परिवर्तन से। अंतःकरण की पवित्रता ये जीवन की सफलता है। हमने अंतःकरण को पवित्र नहीं किया। बाहर अच्छे गाड़ी ले लिए जीवन बदल जाएगा, अच्छे मोबाइल ले लिए जीवन बदल जाएगा, अच्छे खान पान हो उससे जीवन बदल जाएगा, अच्छे मर्सिडीज कार ले लिए इतना से जीवन बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। आप अच्छे बंगले ले लिए, अच्छे आलीशान बंगले, हर कमरे में एसी हो और मन में जलन हो, आपके जीवन बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे। जीवन नहीं बदलेंगे। जीवन बदलता है विचारों के परिवर्तन से। जीवन बदलता है अंतःकरण की पवित्रता से, अंतःकरण की पवित्रता से। और जिस व्यक्ति का मन पवित्र हो जाता है उसको कहीं परमात्मा के पीछे भी दौड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने बीच में कहा था कि आप बच्चे को लूले और कमज़ोर मत बनाइए, बच्चे को सही दिशा पर ले जाइए, भगवान के भरोसे मत बैठाइए, भगवान के भरोसे भगवान की कृपा से होता है, ऐसी बातें कभी नहीं करना चाहिए। आज धार्मिकों ने जितना आज धर्म को भ्रष्ट किया है उतना किसी ने भ्रष्ट नहीं किया है धर्म को। आज एक बहुत बड़े कथाकार है, कहते हैं आपके बच्चे परीक्षा के दिन में यदि परीक्षा की तैयारी नहीं किए हो तो आप अपने बच्चे को मात्र 3 बेलपत्ती खिला दो, आपके बच्चे 100% पास हो जाएंगे। मैं नाम नहीं लूँगा, मैं बहुत बड़े कथाकार हैं। इतनी गलत और अन्याय, इसका कोई जवाब नहीं। और सब लोग जयकारा लगाते हैं, बोलिए शंकर भगवान की जय। कैसे गलत विडंबना है। एक घटना बताऊँ मैं और फिर अपनी बात समाप्त करूँ। एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, लगभग 4 साल का बच्चा रहा होगा, रोज अपने मम्मी को देखता था कि माँ रोज भगवान की पूजा कर रही है। और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग करते होंगे तो करिए, कोई बुरा नहीं है, लेकिन बच्चे को उसका उत्तर गलत मत बताना कभी। साहेब जी कहा करते हैं कि बच्चे आपके टीचर हैं, बच्चे आपको सिखलाते हैं, और बच्चे आपके टीचर हैं और आप बच्चे को गलत उत्तर देते हैं मतलब आप जीवन में असफल, मतलब फैल हो जाते हैं, फैल हो जाते हैं। गलत उत्तर देंगे टीचर को तो आप फैल ही होंगे, और आपने बच्चे को गलत उत्तर दिया तो आप फैल हो जाएंगे। एक जगह माँ रोज़ भगवान की पूजा करती थी, इतना में उनका बच्चा पूछता था, माँ आप क्या करते हैं? बच्चा
बच्चा पूछता था, माँ आप क्या करते हैं? माँ बोलती थी, बेटा मैं रोज़ भगवान की पूजा करती हूँ, रोज़ पूजा करती हूँ। बच्चा बोलता है, प्रश्न फिर करता है, प्रश्न के ऊपर प्रश्न खड़ा करता चला जाता है। बच्चा फिर से पूछता है, भगवान की पूजा करने से क्या होता है माँ? माँ बोलती है, बच्चा बेटा भगवान की पूजा से हर इच्छा कामना पूरी हो जाती है, हर काम बिगड़े हुए काम को बना देते हैं भगवान में, इतनी शक्ति है, इतनी सर्वव्याप्य है। बच्चा तो बच्चा सही समझा। ऐसे पूजा रोज़ माँ करती, करीब करीब 2 साल बीत गया। उनके प्रश्न में एक दिन हुआ क्या, एक दिन एग्जाम हॉल था, उन एग्जाम हॉल में उनका एक प्रश्न आया था कि इस भारत की राजधानी कहाँ है। उस बच्चे के क्वेश्चन था कि इस भारत की राजधानी कहाँ है पेपर में। वो बच्चा उत्तर लिखता है, इलाहाबाद का बच्चा है, उत्तर लिखता है, भारत की राजधानी इलाहाबाद है, जहाँ रहता है समझा वही राजधानी है। जैसे एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है, साथियों से पूछते हैं, साथी कहते हैं, तुमने तो गलत उत्तर लिख दिया, भारत की राजधानी दिल्ली है। वो बच्चा दौड़ करके जाता है और रोज़ दौड़ करके जा करके माँ के पास भोजन के लिए जाता था। उस दिन बच्चा दौड़ करके जाता है और भगवान के पास बैठ जाता है, भगवान के पास बैठ जाता है और भगवान के पास बैठ जाता है। माँ दौड़ते दौड़ते आती है, बेटा आखिर ऐसी क्या बात है, रोज़ तुम मेरे पास आते थे भोजन के लिए, आज तुम भगवान के पास बैठ रहे हो। बच्चा बोलता है, माँ भगवान तो सब कुछ बना सकता है ना, बिगड़े काम भी बना देता है ना। माँ फिर से बोलती है, हाँ बेटा भगवान बिगड़े काम भी बना देता है। इतना में बच्चा बोलता है, माँ आज मेरा एक प्रश्न था कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो मैंने भारत की राजधानी इलाहाबाद लिख दिया है। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उस वाक्य को काट करके वहाँ पर दिल्ली लिख दें। माँ बोलती है, बेटा ये नहीं हो सकता है, आपने बच्चे को क्या सिखलाया, कमज़ोर नहीं बनाया आपने? लोग कहते हैं जो कुछ हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है, आप बच्चे को कमज़ोर तो नहीं बना रहे हैं? भगवान की आप पूजा करते हैं, पूजा का विरोध नहीं है, कम से कम उसकी पूजा के आराध्य से, पूजा से आप चित्र से चरित्र तक पहुंचिए ना। श्री राम की पूजा करते हैं उनके चरित्र तक जाइए, श्री कृष्ण की पूजा करते हैं उनके चरित्र तक जाइए, कबीर की पूजा करते हैं चित्र उनके चित्र से चरित्र तक जाइए, महावीर की, ईसा की, मोहम्मद की, जितने भी महापुरुष की पूजा करते हैं उनके चित्र से आप चरित्र तक जाइए। और इसीलिए सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी हो जो सत्य बातें को कहते हैं, और जब सत्य बातें तीखी लगती है तो लोग कहते हैं कबीरपंथी कुछ नहीं मानते हैं, लोग कहते हैं कबीरपंथी कुछ नहीं मानते हैं, सबका खंडन कर देते हैं। मैं लोगों से प्रश्न करता हूं, क्या कबीरपंथी पानी को पानी, मिट्टी को मिट्टी, आग को आग, हवा को हवा, आकाश को आकाश, कपड़ा को कपड़ा, गाड़ी को गाड़ी, माइक को माइक, मोबाइल को मोबाइल, भोजन को भोजन नहीं मानते हैं कबीरपंथी? लोगों का उत्तर होता है कि मानते हैं, तो कबीरपंथी क्या नहीं मानते हैं, इसका उत्तर नहीं है उनके पास भी, इसका उत्तर नहीं है। कबीरपंथी जो चीज़ है उसी को मानते हैं और बहुत से लोग मानते हैं, इसलिए आप भी उस चीज़ों को माने और बच्चे को सही दिशा की ओर ले जाए, सत्य पथ सत्य राह दिखाए, और जीवन में आप भी अच्छे रहेंगे और आपके बच्चे भी अच्छे रहेंगे। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।